खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट 18 तारीख को सुनवाई करेगा निर्भया के माता पिता की याचिका है। एबीपी न्यूज से बोले निर्भया के माता पिता, दोषी फांसी से भाग रहे हैं, हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं, फांसी तक ले जाकर रुकेंगे। रेप पीड़ितों को जल्द फांसी की मांग पर स्वाति मालीवाल का अनशन 11वें दिन भी जारी, दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं स्वाति। अनशन कर रही स्वाति मालीवाल से मिली निर्भया की मां, स्वाति की हालत देखकर रो पड़ी। आंध्र प्रदेश विधानसभा में दिशा बिल पास हुआ, दिशा एक्ट रेप में दोषियों को 21 दिन में मौत की सजा का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस से हुई झड़प। नागरिकता बिल आने से असम के गुवाहाटी में प्रदर्शन जारी, कई पंप बंद होने से पेट्रोल तक मिलने में दिक्कत। यूपी के फतेहपुर में किसानों को सता रहा है प्याज की लूट का डर, पहरेदारी के लिए खेतों में सो रहे हैं किसान। महंगे प्याज का असर, वाराणसी में कुछ होटल वालों ने पोस्टर लगाया, लिखा प्याज मांगकर शर्मिंदा ना करें। पंजाब के लुधियाना में कई सरकारी विभागों की बत्ती गुल, 250 करोड़ का बकाया बिल, इसलिए कटा है कनेक्शन। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने दलित युवक की शादी में हंगामा किया, दूल्हे को बग्गी पर चढ़ने से रोका। एमपी के डिंडोरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, 3 घंटे में 100 महिलाओं की नसबंदी की, उठे सवाल। यूपी में अचानक हुई बारिश से फसलों को नुकसान, औरैया में गेहूं की बोई फसल बर्बाद हुई तो कन्नौज में आलू की खड़ी फसल पर भी असर पड़ा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बारिश में धान की 60,000 क्विंटल की बोरियां पानी में भीग गई, खरीद केंद्र में खुले में रखी थी। राजस्थान के नागौर में बारिश के साथ जमकर ओले पड़े, घरों की छतों और सड़कों पर जम गई सफेद चादर। उत्तर भारत में मौसम की तगड़ी मार, उत्तराखंड और हिमाचल के जिलों में कल से बर्फबारी जारी। उत्तराखंड के टिहरी में भारी बर्फबारी पड़ी है, ठंड बढ़ गई, घूमने आए सैलानी खुश दिख रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में हर तरफ बर्फ ही बर्फ, कुलांग इलाका सफेद बर्फ से ढक गया। श्रीनगर में मौसम की ताजा बर्फबारी हुई है, बर्फबारी की वजह से सड़कों पर आवाजाही में दिक्कत। वैष्णो देवी मंदिर के पास भी भारी बर्फबारी हुई, श्रद्धालुओं को दर्शन में हो रही है दिक्कत। सेंसेक्स में आज उछाल, बीएसई 428 अंक उछलकर 41,000 के पार पहुंचा, निफ्टी में भी बाहर रही।